हेलो गाइस, अब अपन आज के एपिसोड में आज के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अपन ने ये दो विधियों का प्रयोग किया था। एक में पूर्ण वर्ग बनाया था और एक फैक्टराइजेशन किया था। ठीक है, हो सकता आशा है कि आपने किया होगा। फैक्टराइजेशन मेथड को पूरा कर लिया होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कर लिया होगा। क्यूरी हो तो आप, मैं जिंदा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, हम अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं फार्मूला मेथड जो श्री धराचार्य जी ने किया था। क्या है फार्मूला? कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसकी सहायता से हम एक्स की विभिन्न मान ज्ञात कर सकते हैं। एक्स के उन विभिन्न मानों को हम क्या कहते हैं? मूल, रूट्स बोला जाता है। अपन ने जैसे जीरोस और रूट्स की कंपेयर देखी, वैसे ही ये भी होता है। हमको एक्स के मान निकालना है या मूल ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। समीकरण हल कीजिए, मतलब एक्स के मान ज्ञात करना है। अब अपन आगे बढ़े तो अब इसमें क्या होता है कि जब अपन फार्मूला मेथड लगाते हैं तो जैसे अपन ने लीनियर इक्वेशन में किया था कि वो संगत हल है ना, कोई हल नहीं, अनंत हल, वैसे ही इसमें भी हम तीन कंडीशन को डालते हैं। कि जैसे भाई आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाला तो इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? विविक्त कर। क्या कहा जाता है? विविक्त कर। ये विविक्त कर क्या होता है ना? विविक्त कर जो है आपको डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। विविक्त कर को किसके द्वारा? d, क्योंकि इंग्लिश में विविक्त कर को डिस्क्रिमिनेट कहा जाता है, इसलिए उसको कैपिटल d से डिनोट किया जाता है। अब हमको यह पता है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि मान लो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऋणात्मक आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्गमूल के अंदर ऋण की संख्या आ गई। वर्गमूल के अंदर ऋण की संख्या आती है तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। यदि काल्पनिक संख्या आ गई है तो इसका मतलब यह होगा कि हम इस समीकरण के हल नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि d ऋणात्मक हो तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, है ना? या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपरिमेय भी कहा जा सकता है, है ना? क्योंकि वो कायम आएगा, अपरिमेय जाने दीजिए, क्योंकि उसमें काल्पनिक संख्या i का iota का यूज होगा। तो अपन तो सिर्फ लिख देंगे मूल काल्पनिक होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, जिससे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब थोड़ी देर के लिए यदि d इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब b स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो हो गया, तो ये पूरी संख्या जीरो हो जाएगी, तो दोनों मान क्या होंगे? माइनस बी अपॉन टू। अर्थात क्या हो गया? मूल समान एवं वास्तविक। ठीक है, मूल कैसे होंगे? समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? माइनस बी अपॉन टू ए। अब यदि d इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब धनात्मक हो गया, ग्रेटर देन जीरो मतलब शून्य से बड़ी संख्या है, धनात्मक हो गया तो एक बार धन का चिन्ह लेना पड़ेगा और एक बार ऋण का चिन्ह लेना पड़ेगा। अर्थात मूल असमान एवं वास्तविक होंगे। ठीक है ना, ये दो तीनों कंडीशन अपनी तीनों शर्त हो गई। कि अब अपने को क्या करना है? जिस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन में पहले ये पता लगाते थे कि हल सुसंगत है या नहीं, यदि है तो सवाल को हल कर देते, यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे कि पहले हम विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर ऋणात्मक होगा तो सीधे सीधे उत्तर लिख देंगे कि भैया इसका कोई हल नहीं होता। यदि विविक्त कर शून्य आ गया तो सीधा सीधा लिख देंगे कि इसके मूल समान होते हैं और वो किसके बराबर होंगे? माइनस बी अपॉन टू ए के बराबर होंगे, है ना। फिर यदि मान धनात्मक आता है तो पूरे सवाल को हल करके एक बार धन का चिन्ह और एक बार ऋण का चिन्ह लेकर उन सवालों को पूर्ण किया जाएगा। तो ये इस तरह से ही अपना एक प्रोसेस हो गया। अब हम एक सवाल करते हैं, है ना। सवाल क्या है? अब एक प्रश्न उठाया कि भाई ये पता कीजिए कि पहले तो उसमें ये पता करें कि इसके मूल जो है या इसके मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, क्या है, तो उसके बाद उसको हल कीजिए। सवाल है 2x² माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ऑन कंपेरिजन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू टू
बी इक्वल टू माइनस सेवन एंड सी इक्वल टू थ्री। मैंने जैसा कहा आपको कि सबसे पहले हम निकालेंगे विभक्तक मतलब डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सेवन का स्क्वायर 49 माइनस फोर टू जाए 8 3 24 मतलब कितना आया 25, धनात्मक है इस ग्रेटर देन जीरो। अतः मूल असमान एवं वास्तविक होंगे। अब हमें सवाल को इस मामले रखकर हल करना होगा, इस सूत्र में रखकर हल करना होगा। क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डायरेक्ट लिखते हैं आप 2a, मतलब माइनस माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, अब आगे बढ़े तो x इक्वल टू माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस सेवन हो गए, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया अपॉन 2 2 जा 4। ठीक, अब आगे बढ़े x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहां पर प्लस साइन लेने पर x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 मींस 12 अपॉन 4, 4 1 जा 4 3 जा 12 आपके पास एक वैल्यू आ गई 3। अब लिखेंगे नेगेटिव साइन लेने पर x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 अपॉन 2 आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, डिफरेंट वैल्यूज आ गई, असमान वैल्यू आ गई, अर्थात सिद्ध हो गया कि भाई मूल असमान है, मूल असमान है और क्या है 3 और 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि इस सवाल में क्या दो मूल होंगे, दोनों असमान होंगे, है ना, एक मूल नहीं होगा और ना काल्पनिक होगा। अब आप बोलेंगे सर इस प्रकार का कोई सवाल हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई, जब जब कंडीशन है तो सवाल भी होगा, सवाल भी है तो अपन करके देखें एक सवाल को। 2x² + x - 4 ले लेते हैं, 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, 2x² + x - 4 = 0 का कंपैरिजन करने पर a = 2 b = 1 c = -4। नाउ विभक्त कर d = b² - 4ac, 1² - 4 × 2 − 4 कितना हो गया 1 − − + 4 2 = 32। आपके पास क्या आ गया 33 आ गया। ये भी एक क्या है, ये एक ऐसा सम है जो कि पॉजिटिव फिर भी आ गया, इसका पॉजिटिव आ गया मतलब फिर हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, मतलब x इक्वल टू माइनस बी बोले तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2 × 2, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, प्लस साइन लेने पर भी आएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, माइनस साइन लेने पर आएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो इस प्रकार से अभी हमने ये दो सम देखे, वो दोनों सम किसके थे, सॉल्वेबल के थे, जिसके की दो असमान मूल थे। अब हम उसके लिए लेते हैं जिसमें मूल काल्पनिक होंगे। देख सवाल है 2x² + x + 4, 2x² + x + 4 = 0। ओके, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास a b और c के मान अलग अलग आएंगे, a = 2 b = 1 and c = 4। ठीक है, जब हम सूत्र में मान रखेंगे पहले क्या निकाले विभक्तक d = b² - 4ac, 1² - 4 × 2 × 4 ये हो जाएगा 1 − 4 2 = 8 4 = 32। आपके पास कितना आ गया -31। ठीक है, -31 आ गया, विच इज लेस देन 0। हम ये तुरंत लिख देंगे विभक्तक शून्य से छोटा है, मूल काल्पनिक होंगे। अब इसके आगे आपको सवाल को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इस प्रकार से आपका जो है एक वर्ग समीकरण को सूत्र विधि के द्वारा कैसे हल किया जाता है ये हमने आपको समझाया है। अब इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं
उसको हम यदि सीखना चाहें तो वर्ड प्रॉब्लम की सबसे पहली चीज होती है कि हमको उस वर्ग समीकरण की रचना करनी है, जो कंडीशंस दी हुई है उन कंडीशंस को अप्लाई किए और अप्लाई करने के बाद में पहले वर्ग समीकरण की रचना करें और फिर उस वर्ग समीकरण को हल करें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, पर्याप्त समय चाहिएगा। पर्याप्त समय चाहिएगा मतलब पहले आप एक बार उसकी थीम पढ़िए, थीम पढ़ने के बाद में इस सवाल को हल कीजिए, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब वो करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम प्रैक्टिस पे आएंगे कि जब एक्सरसाइज वाइज वीडियोज आपको डाउनलोड करके देंगे, अपलोड करके देंगे, आप उन एक्सरसाइज वाइज वीडियोज को देखिएगा। लेकिन पहले आप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कीजिए और उसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस की भी वर्ड प्रॉब्लम करनी है अभी हमें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी वर्ड प्रॉब्लम करनी है। आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए, यदि आपका फीडबैक अच्छा आता है तो निश्चित ही हम आपको लगातार ये सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। ओके, मिलते हैं फिर, गुड बाय।